हेलो डियर, माय नेम इज आदित्य कुमार सिंह और आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉज जो आपके नेट का पेपर है उसके ऊपर कुछ स्ट्रेटजी देखेंगे कि 2019 में जो पेपर आने वाला है वो कैसा होगा। मैं यहाँ पे नेट में जो पेपर कोड 55 के लिए होता है, कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेबर लॉज लेबर वेलफेयर जो ये कोड 55 का पेपर है, मैं उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, कुछ आपको तरीके बता रहा हूँ कि पेपर आपको कैसे करना है। अभी तक जो पेपर आता था वो पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंट था और जो दिसंबर 2018 का पेपर है वो अपने पैटर्न में थोड़ा सा अलग है। मैं ये कोड 55 के पेपर को तीन पार्ट में देखूंगा। फर्स्ट अप टू जुलाई 2018, जुलाई 2018 तक किस तरह के पैटर्न पे पेपर आता था, देन दिसंबर 2018 में ये पेपर कैसा आया, तो आगे के लिए हमारे पास मतलब कि नेट 2019 के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यहां पे ये तीन पार्ट में इसको हम देखेंगे, पहले क्या आता था, इस बार क्या आया और इन दोनों के बेस पे हमें कैसे करके जाना चाहिए, ये देखना काफी जरूरी है। आप पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको स्ट्रेटजी नहीं मालूम है, रणनीति अगर आपको नहीं मालूम है तो आपका पेपर अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये जो कोड 55 का जो सिलेबस है पेपर का वो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में भी काफी कुछ आता है, इसमें से कुछ पार्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में भी आता है तो उसकी स्ट्रेटजी हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे पहले हम सिर्फ कोड 55 की स्ट्रेटजी को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं पार्ट नंबर वन जो कि अप टू जुलाई 2018 का पार्ट है। यह है अप टू जुलाई 2018 मतलब कि 2018 जुलाई 2018 तक जो आपका पेपर आया था वो कैसा आया था, उसमें क्या कैसे क्वेश्चंस पुटअप हुए थे, कौन से सेक्शन से अप्रोक्सीमेट कितने क्वेश्चन पुटअप हुए थे, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे कुछ बातें करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ टॉपिक्स जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लगभग आपके सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स आपके लिखे हुए हैं, 1 to 9 टॉपिक्स हैं। मैंने पहला लिखा है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जैसे कि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है लेबर लॉज के लिए। इस एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट हुए, और भी इसके काफी कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की बात कर रहा हूं, तो ये सिर्फ 1947 एक्ट की बात नहीं मैं नहीं कर रहा, इंडस्ट्रियल रिलेशन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसकी भी बात कर रहा हूं और जो एक्ट में आ जाता है उसकी भी, मतलब कि पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। आपको जैसा कि पता है कि अप टू जुलाई 2018 अगर यहां तक मैं बात करूं तो इस पार्ट से लगभग कितने क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन 12 to 16 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपसे पूछे जाते हैं थे, पहले ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे अप्रोक्सीमेट 12 से 16, आगे पीछे हो सकता है किसी में कम पूछा किसी में ज्यादा, लेकिन इससे कम जनरली नहीं होता है, 12 to 16 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस 12 to 16 क्वेश्चन के अंदर इंडिया में इंडस्ट्रियल रिलेशन तो पूछा ही जाता है, यूके एंड यूएसए का भी पूछा जाता है। ये हमें तीनों पार्ट तो करना ही है, इंडस्ट्रियल रिलेशन इंडिया के अंदर और इंडिया के साथ साथ यूके एंड यूएसए में भी क्या है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो ये टोटल मैंने कंबाइन करके बताया है कि इन टोटल को मिला के आपके पास कितने 12 to 16 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये तो बनते थे और अभी भी बन सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं कि क्या था पहला पैटर्न क्या चल रहा था। मैं आता हूं सेकेंड पार्ट पे, ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन जैसा कि आपको पता है कि ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926, इसमें भी ट्रेड यूनियन के सारे कॉन्सेप्ट आ गए,
सारे एक्ट से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है या उसके अलावा भी जो कॉन्सेप्ट है वो सारे आ गए। अब ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के ऊपर भी कितने लगभग क्वेश्चन बनते थे ये मैं आपको बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट 5 to 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे ट्रेड यूनियन एक्ट के ऊपर। ट्रेड यूनियन एक्ट के ऊपर ये 5 से 8 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता था इसमें क्या कवर होता था, यहां पे इंडिया का ट्रेड यूनियन के साथ साथ, इंडिया में जो ट्रेड यूनियन है उसके साथ साथ यूके एंड यूएसए का भी पूछा जाता है, तो आपको फिर ये तीनों पार्ट यहां पे करना होगा, ये तीनों से मिला के ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पे 5 से 8 क्वेश्चन जो होते हैं ये तीनों पार्ट में से, इंडिया का या यूके या यूएसए, इनमें से आपसे पूछा जाता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता था 5 से 8 क्वेश्चन। ये हो गई बात ट्रेड यूनियन की। आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट एक्ट, फैक्टरीज एक्ट। फैक्टरीज एक्ट सबने पढ़ा है, फैक्टरीज एक्ट कौन सा है, 1948, ये फैक्ट्री एक्ट है। 1948 का जो फैक्ट्री एक्ट है इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फैक्टरीज एक्ट से क्वेश्चन आते हैं मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि 1948 वाले से ही आता है, ये कुछ भी पूछ सकता है कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब पास हुआ या पहला फैक्ट्री एक्ट में क्या किया गया, तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो अभी इंप्लीमेंट है वो 1948 और उसी में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, तो इनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनसे रिलेटेड आपके पास कितने क्वेश्चन होते हैं लगभग फैक्ट्रीज एक्ट से, होते हैं 4 to 6 क्वेश्चन, ये आता है आपके फैक्ट्री एक्ट के पार्ट से, 4 to 6 क्वेश्चन। इसमें कुछ भी करंट में जो चेंजेज हुए फैक्ट्रीज एक्ट में या कोई अमेंडमेंट्स हुआ है उसमें से भी क्वेश्चन हो सकता था। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं एचआरएम एंड एचआरडी। अब यहां पे एचआरएम और एचआरडी की बात करें तो एचआरएम और एचआरडी में क्या पूछा जाता है, नॉर्मली एचआरएम से रिलेटेड जितने आपके कॉन्सेप्ट होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, एचआरपी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, या आपका रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कुछ भी, मतलब एचआरएम से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हमारे पास आते हैं उनसे, प्लस एचआरडी, प्लस एचआरडी, एचआरडी में जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है या परफॉर्मेंस अप्राइशल मैंने जो यहाँ पे बोला या और भी जितने पार्ट है, पर्सनल मैनेजमेंट वगैरह की बात करें हम लोग, तो ये सारा पार्ट किसमें, एचआर और एचआरडी में कवर होता है। तो एचआरएम और एचआरडी से कितने क्वेश्चन आते हैं अभी तक, सॉरी आते थे, 20 to 26 क्वेश्चन, ये किसमें आते थे, एचआरएम और एचआरडी से, यहां पे 20 से 26 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ओबी। ओबी में जो हम पढ़ते हैं लीडरशिप, मोटिवेशन या और भी काफी सारे टॉपिक्स हैं, इनसे कितने क्वेश्चन बनते थे आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से, अप्रोक्सीमेट 5 to 7 क्वेश्चन। मैं बात करता हूं बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट बीएम, बीएम से कितने क्वेश्चन लगभग बनते थे जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारा टॉपिक आता है। तो बिजनेस मैनेजमेंट से अगर मैं बात करूं तो इसमें से अप्रोक्सीमेट 5 to 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, 7 भी हो सकता था और हुआ है कई बार, लेकिन जनरली देखा गया कि 5 to 6 क्वेश्चन ही आपसे पूछे गए हैं। लेबर वेलफेयर एंड लेबर मार्केट, लेबर वेलफेयर और लेबर मार्केट से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं अप्रोक्सीमेट, इसके अंदर लगभग 10 to 12 क्वेश्चन। अदर्स एक्ट, अदर एक्ट में क्या आता है, एक्सेप्ट इंडस्ट्रियल ट्रेड और फैक्ट्रीज, इन तीनों एक्ट को छोड़ के मैंने अदर एक्ट्स नाम दिए हैं कि बाकी जितने एक्ट्स हैं वो सारे अदर एक्ट्स में आ गए, और इन एक्ट से, इन एक्ट से लगभग कितने टॉपिक आते हैं, सबसे ज्यादा इन एक्ट से ही क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। मैं इसमें से भी लगभग क्वेश्चन एचआरएम और एचआरडी के इक्वल बोल सकता हूं, 20 to 26 अप्रोक्सीमेट। यहां पे हमारा लेबर लेजिस्लेशन छूट गया है, लेबर लेजिस्लेशन में भी कितने क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेट 4 to 6 क्वेश्चन हो सकता है। ये पूरे जुलाई, अप टू जुलाई 2018 का मैं सिलेबस बता रहा हूं कि जुलाई 2018 तक क्या पूछा जाता था, कैसे पूछा जाता था,
इसमें से जैसे बीएम की बात करूं तो बिजनेस मैनेजमेंट में आपका जो 5 क्वेश्चन लगभग आते थे वो फिक्स थे कि 5 क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, कई बार 1-2 क्वेश्चन और भी डाला जाता था या फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह से, तो लगभग ये पैटर्न एक फॉलो हो रहा था और इस पैटर्न पे हम लोग पेपर जुलाई तक दिए। लेकिन जो हमने देखा दिसंबर 2018 में जो अभी पेपर हुआ है, ये पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। अब वो पेपर का पैटर्न कैसे चेंज हुआ ये देखते हैं। ये है दिसंबर 2018, टॉपिक्स वही है। अब उसमें क्या चेंजेज हुआ ये हमें यहां पे देखना है। तो सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले है आईडीए, इंडस्ट्रियल रिलेशन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसमें से क्वेश्चंस इस बार भी आए और ये इतना इंपॉर्टेंट डेट है कि हर बार क्वेश्चन आता है। इस बार भी इस एक्ट के अंदर से कितने क्वेश्चन आए थे, अप्रोक्सीमेट 12-16 क्वेश्चन। और ये भी 12-16 क्वेश्चन किसको किसको इंक्लूड किया, इंडिया, इंडिया के अंदर, यूके एंड यूएसए, ये तीनों को इंक्लूड करके इससे क्वेश्चन, करंट में जो अमेंडमेंट्स वगैरह हुए उससे भी क्वेश्चन, इस बार जो दिसंबर में आया पेपर वो ऐसा था। नेक्स्ट आते हैं ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन में क्या है, ट्रेड यूनियन में भी फिर से इस बार भी क्वेश्चन होगा और हर बार होता ही है। ट्रेड यूनियन में इस बार क्वेश्चन लगभग कितना था, इस बार क्वेश्चन था 10-14 क्वेश्चन। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस बार लगभग क्वेश्चन बढ़ गया है, इस बार क्वेश्चन बिल्कुल बढ़ा है ट्रेड यूनियन से, और इस क्वेश्चन में भी क्या है, इंडिया के पार्ट से, यूके के पार्ट से और यूएसए के पार्ट से आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं फैक्टरीज एक्ट। फैक्टरीज एक्ट में भी इस बार फिर क्वेश्चन आए, तो फैक्टरीज एक्ट से कितने क्वेश्चन आए इस बार, 4-6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, ठीक है। ये फैक्टरीज एक्ट 1948 जो फैक्टरीज एक्ट बना था ये उसके है। इसमें और भी पहले वाले फैक्ट्री एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते ही हैं, तो ये 4-6 क्वेश्चन इसमें से आता है। एचआरएम और एचआरडी काफी बड़ा टॉपिक है, एचआरएम और एचआरडी इस बार इसमें से कितना क्वेश्चन आया, अप्रोक्सीमेट 17-25 क्वेश्चन, लगभग जैसा पिछला आता था। नेक्स्ट बात करते हैं लेबर लेजिस्लेशन। लेबर लेजिस्लेशन के अंदर इस बार कितने क्वेश्चन रहे, 8-10 क्वेश्चन, इसमें कुछ इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इस बार लगभग 7-9 क्वेश्चन देखने को मिले। बीएम की बात करता हूं मैं, बीएम में फिर से इस बार कितने, 5-7 क्वेश्चन पूछे गए थे। बात आती है लेबर वेलफेयर एंड लेबर मार्केट की, इसमें 10-12 क्वेश्चन पूछे गए थे। अदर एक्ट, अदर एक्ट्स कौन से, इंडस्ट्रियल, ट्रेड और फैक्ट्री को छोड़ के जितने एक्ट हैं उनमें से फिर भी इस बार सबसे ज्यादा फिर क्वेश्चन आए, कितने, अप्रोक्सीमेट 21-25 क्वेश्चन, इस बार फिर से इस पार्ट से ज्यादा रहा। तो हमें जहां तक देखने को मिला कि एचआरएम और एचआरडी और नेक्स्ट एक्ट्स, ये दो पार्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं और काफी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं देखता हूं तो इंडस्ट्रियल रिलेशन और डिस्प्यूट से, ट्रेड यूनियन से, फैक्ट्री सेक्ट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओबी बीएम इनसे भी क्वेश्चन है। तो हमें ये पैटर्न इस बार देखने को मिला जो एग्जाम में हमें देखने को मिला। यहां पे जो ट्रेड यूनियन के क्वेश्चंस थे इस बार ज्यादातर क्वेश्चन इनके ऊपर पूछा गया था, मतलब करंट का कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। जो एक्ट्स के क्वेश्चंस थे यहाँ पे, ये एक्ट के क्वेश्चन काफी ऐसे क्वेश्चन थे जो यूजीसी के सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, उन एक्ट्स से काफी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो हमें अब इनको देखते हुए अपने आगे की रणनीति तैयार करनी होगी, आगे की स्ट्रेटजी बनानी होगी। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं यहां पे बात करूंगा कि अब 2019 के लिए हमें क्या करना होगा। बिल्कुल अब ऐसा तो नहीं है कि हमें ये पता है कि फिक्स इसमें से और इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे। इस बार जो देखने को मिला उसके हिसाब से अब यहां पे कोई भी क्वेश्चन फिक्स नहीं है। अब ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि इस पार्ट से काफी क्वेश्चन आते हैं या इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन डिक्रीज और इंक्रीज हो सकते हैं, मतलब घट बढ़ सकते हैं। हमें ये सारे के सारे टॉपिक्स को ही अच्छे से करके जाना होगा।
लेकिन फिर भी एक पैटर्न को देखा जाए तो हमें ध्यान किस पे देना है, एक्ट्स पे ऊपर, ये एक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट, एचआरएम और एचआरडी, देन इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये जो पार्ट्स हैं काफी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, तो हमें एक्ट जो यूजीसी के सिलेबस में मेंशन है वो तो करना ही करना है, उसके अलावा जो रिलेटेड एक्ट्स हैं उनको भी हमें करके जाना ही होगा, नहीं तो फिर पेपर नहीं होगा। तो अदर एक्ट में काफी सारे एक्ट आ जाते हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्ट वगैरह सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा पार्ट यहां पे कवर करके चलना है। यहां पे अब जो 2019 का पेपर आपके पास आने वाला है वो हो सकता है कि इनमें से जो यहां पे आपने पार्ट देखा कि जैसे फैक्ट्री एक्ट से 4 questions to 6 or 7 questions पूछे जा रहे थे, हो सकता है इससे 10 questions हो जाए, हो सकता है इससे 4 ही questions रहे, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो ज्यादा या कम हो सकता है, हमें उसके हिसाब से ही ये प्रिपेयर नहीं करना है, हमें तो ये मान के करना है कि इसमें से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि पैटर्न ऐसा ही हुआ है कि अब प्रेडिक्शन ऐसे नहीं लगाया जा सकता, फिर भी एक अनुमान के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्ट का पार्ट है, क्योंकि आपका जो कोड 55 का सिलेबस है वो पूरा का पूरा लेबर लॉज ही बोला जाता है, तो लॉज से तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे, लेबर लेजिस्लेशन हो गया, एक्ट्स हो गए, इंडस्ट्रियल रिलेशन डिस्प्यूट एक्ट हो गया, और एचआरडी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनको हमें बहुत अच्छे से काफी डीप में करके जाना होगा फॉर 2019। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा बताया मैंने, आईआर एंड आईडी एक्ट, फर्स्ट सेकंड अदर्स एक्ट हो गए, बाकी एक्ट हो गया यहां पे, थर्ड में एचआरएम एंड एचआरडी, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इसके बाद भी मैं बात करूं तो आप ले सकते हो लेबर लेजिस्लेशन, लेबर लेजिस्लेशन, नेक्स्ट बात करूं मैं तो लेबर वेलफेयर एंड लेबर मार्केट, नेक्स्ट ट्रेड यूनियन एंड फैक्टरीज एक्ट, मींस कुछ ऐसे आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन हमें फोकस सबसे ज्यादा आईडी और आईआर एक्ट, बाकी सारे एक्ट्स और एचआरएम एचआरडी पे 100% दे के चलना ही होगा अगर हमें पेपर क्रैक करना है तो। इसके साथ साथ पेपर 1 की भी स्ट्रेटेजी काफी इंपॉर्टेंट है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पेपर 1 को कैसे करना है, कौन से पार्ट पहले करना है या किस तरीके से उसको हैंडल करना है, क्या पैटर्न है, उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यहां पे आपको बताऊंगा। ये है कोड 55 के लिए पूरा, यूजीसी नेट कोड 55 के लिए स्ट्रेटेजी फॉर 2019 के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये हमारी बातें अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे लेटेस्ट अपडेट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी अच्छी बातों के लिए, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।